आज हमारे पास एक्सेक के सारे कलर है जो कि आप देख सकते हो। ये है ब्लैक एंड सिल्वर कलर, और ये हमारे पास ब्लू एंड ब्लैक कलर, ये है वाइट कलर, ये है अपना कैनवास एडिशन जिसमें आपको काफी सारे स्टिकर लगाने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सबके बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसमें चेंजेस क्या हूँ, उसके बाद में मैं सारे कलर दिखाने वाला हूँ और सारे कलर का रिव्यू करने वाला हूँ। कौन सा मेरा फेवरेट कलर है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दैट टाइम लगाते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। इसकी प्राइस जानने से पहले हम जान लेते हैं जो हमारी पुरानी वाली स्प्लेंडर है उसकी प्राइस कितनी है। उस गोल्ड वाली एडिशन का आपको पड़ने वाला अराउंड 87,000 के आसपास, और नॉर्मल ब्लैक वाली आपको पड़ जाएगी 86,000 के आसपास। बात कर लेते हैं एक्सटेक की प्राइस। एक्सटेक की प्राइस आपको पड़ने वाली 89,000 रुपए विद एसेसरीज, मैं आपको बता रहा हूँ। चारों कलर की प्राइस सेम रहने वाली है, लेकिन चारों कलर में काफी सारी चीजें चेंज है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें चेंजेस क्या हो। सबसे बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा इसके मीटर कंसोल में। एक्चुअली इसमें की नहीं लगी है, इसमें की लगी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रही इसकी की। पहले की बात करें, आपको ऐसी की मिलने वाली है। सो ये मैं ऑन कर देता हूँ। अभी आपको देखने को मिल जाता है इसमें फुली डिजिटल मीटर कंसोल। अब इसमें क्या क्या ऐड हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको मिल जाती है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो कि बहुत बड़ी बात है, और आपको बड़ा सा डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है। बाकी आप देख सकते हो इसका डिजाइन भी चेंज हुआ है। बाकी के इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, फ्यूल का, न्यूट्रल का, ऐसे ही आपका अपर डीपर का, इंजन माल फंक्शन लाइट, यहाँ पे आपका इंडिकेटर का, ऐसे ही आपको इंडिकेटर साइड साइड में मिलने वाले हैं। एंड सेट रिसेट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपका स्पीड बताएगा, ऑडोमीटर बताएगा, और आपको मिल जाती है फ्यूल एफिशिएंसी, मतलब आपको रियल टाइम माइलेज इसमें बताने वाला है। और आपका इसमें मिस कॉल अलर्ट बताएगा, मैसेज अलर्ट बताएगा, साथ में मोबाइल में बैटरी कितनी ये भी आपका बताने वाला है। सो काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलने वाली। बहुत अच्छा अपडेट किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और फोन चार्ज करने का ऑप्शन पहले भी मिलता है, अभी भी है। सो ये पहला अपडेट हुआ है बड़ा। और दूसरा अपडेट की बात करें तो अभी आपको नए कलर देखने को मिल जाते हैं जो कि आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। बाकी डिटेल रिव्यू इनका आगे मैं देने वाला हूँ। और अभी आपको देखने को मिल जाते हैं इसमें स्टिकर वर्क थोड़ा यूनिक टाइप के जो कि आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। और नेक्स्ट की बात करें तो आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे LED DRL जो कि पहले नहीं था। अभी हम इसको ऑन करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे की मिल जाएगी, मैं ऑन कर देता हूँ। और ये रहा, और ये रहा इसका LED DRL जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और हेडलाइट की बात करें तो आपको हैलोजन मिलती है, हेडलाइट में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। सो ये मैं ऑफ कर देता हूँ। सो यही चेंजेस आपको देखने को मिलने वाला है इसमें। इसमें आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिल जाता है जो कि पहले से मिलता था। और अभी हम जान लेते हैं इन चारों कलर के बारे में अच्छे से। सबसे पहले हम ब्लैक वाले के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको काफ़ी सारे ग्राफिक्स मिल जाते हैं, मतलब ऐड करने के लिए स्टिकर, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। उसकी प्राइस है लमसम मतलब 1500 से 1000 के आसपास। जैसे आपको पहले ऑप्शन देखने को मिल जाता था ब्लैक वाले में काफ़ी सारे स्टिकर वर्क लगाने के, वैसा ही ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है। और पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका नाम रखा गया है कैनवास एडिशन। इसमें और अदर वाले कलर में क्या चेंजेस हैं, इसमें आपको देखने को मिल जाता है नॉर्मल साइज स्टिकर। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको हीरो की ब्रांडिंग ऐसे नॉर्मल स्टिकर वर्क के साथ में देखने को मिल जाएगी, जबकि यहाँ की बात करें तो आपको 3D में देखने को मिलने वाली है। सो ये चेंजेस हैं, और कोई भी चेंजेस नहीं है, मतलब इसमें आपको स्टिकर लगाने का ऑप्शन मिलता है, उसमें आपको स्टिकर लगा लगाया मिलता है बस। उन तीनों कलर में इसमें आपको ऑप्शन मिल जाते हैं काफ़ी सारे, और इसमें आपको 3D में लोगो नहीं मिलता, उसमें आपको 3D में लोगो मिलता है। सिर्फ ये चेंजेस है, बाकी इस कलर को हम अच्छे से देख लेते हैं। सो फ्रंट से ये कलर कुछ ऐसे दिखने वाला है, और साइड की बात करें तो ऐसे कुछ दिखेगा। ये रहा इसका टैंक, यहाँ पे आपको स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक की ब्रांडिंग मिल जाएगी। सो इधर से ये सारी गार्ड्स, सो इधर से ये बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। फुल व्यू की बात करें इधर से कुछ ऐसे दिखेगी, और इसका भी हम लेफ्ट साइड व्यू देख लेते हैं। तो लेफ्ट साइड से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है, आप देख सकते हो। सो ऐसा कुछ व्यू आपको मिल जाएगा फुल ब्लैक कलर के साथ में, जैसा पहले थी वैसी। और ये मेरा फेवरेट कलर है। और अभी हम बात कर लेते हैं व्हाइट वाले कलर की। सो व्हाइट वाला कलर ये सामने से कुछ ऐसे दिखने वाला है, और साइड से देख लेते हैं तो साइड से ये कुछ ऐसे दिखेगी व्हाइट कलर के साथ में। यहाँ पे आपको हीरो की ब्रांडिंग मिल जाएगी 3D में, बाकी ये बाइक कुछ ऐसे दिखेगी इधर से। और अभी हम बात कर लेते हैं साइड में, लेफ्ट साइड से ये कुछ ऐसे दिखने वाली हैं। और एक चेंजेस हुआ है इसमें, मैं बताना भूल गया, इसमें आपको देखने को मिल जाता है अभी डुअल टोन में सीट, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रही इसकी सीट, आपको डुअल टोन में देखने को मिल जाती है जो कि काफी स्टाइलिश लग रही है, और इसकी कुशनिंग भी इंप्रूव की गई है पहले के कंपेरिजन में। सो आपको अच्छा खासा कंफर्ट मिलने वाला पहले के कंपेरिजन में। और ये रहे आपके ग्रैब रेल, बाकी का टेल सेक्शन आपको वैसे मिलता है जैसे पहले थी। तो ये रहा इसका व्हाइट कलर, ये कुछ ऐसे दिखेगा, ये है ब्लैक कलर, और ये है आपका ब्लू कलर। ब्लू कलर बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, मुझे तो काफी अच्छा लगा। पहले लेफ्ट से देख लेते हैं। सो लेफ्ट से ये ब्लू कलर कुछ ऐसे दिखने वाला, बहुत ही प्यारा सा दिख रहा है। और आ जाते हैं अभी इसके राइट साइड में। राइट साइड से ये कुछ ऐसे दिखने वाला है, ये मुझे ब्लू कलर बहुत अच्छा लगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आप लोग कैसा लगा। और इधर से ये बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। और भी बात कर लेते हैं लास्ट कलर के, सिल्वर कलर। तो ये राइट साइड से कुछ ऐसे दिखेगी, और चलते हैं इसके लेफ्ट साइड से देख लेते हैं। लेफ्ट साइड की बात करें, लेफ्ट साइड से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। और ये रहा इसका सामने का व्यू, और पीछे वाले सेक्शन से चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर से
बाइक कुछ ऐसे दिखेगी। और साथ की बात करें, साथ में ये बाइक ही कुछ ऐसे दिखने वाली है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लगा। और चेंजेस मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपको देखने को मिल जाता है अभी 3D में लोगो, और कैनवास वाले एडिशन में नहीं है। और आपको मिल जाता है डिजिटल मीटर कंसोल, इसमें आपको काफ़ी सारे कूल से फीचर्स मिल जाते हैं। और साथ में आपको मिल जाता है LED DRL, और आपको मिल जाता है डुअल टोन में सीट, और सीट को इम्प्रूव किया गया है पहले के कंपेरिजन पे। सिर्फ ये चेंजेस हुए हैं और इसकी प्राइस ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई। अभी आपको पड़ जाती है ऑलराउंड 89,000 रुपये विद एसेसरीज, जिसमें आपको हेलमेट, पार्किंग कवर, सीट कवर, काफ़ी सारी जेन्युइन एसेसरीज आपको मिल जाती है। और इस शोरूम का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कॉल कर सकते हो एंड विजिट भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारे कलर ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हो, कभी भी आके आप टेस्ट राइड भी ले सकते हो। फिर मिलते हैं इस वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।